लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। हरिद्वार, हर की पैड़ी के पास पहाड़ दर का पूरा इलाका डेंजर जोन में तब्दील। हर की पैड़ी के पास दर की पहाड़ी दो दिन तक लगातार हुई बारिश के कारण हर की पैड़ी के सामने का पहाड़ मंगलवार की तड़ के दरक गया। मिट्टी के लगातार कटाव और भूस्खलन से कई पत्थर हर की पेड़ी के सामने एक सुलभ शौचालय तथा उसके आसपास की अस्थायी दुकानों पर जा गिरे। गनीमत यह रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई। बाद में प्रशासन ने आसपास की दुकानों को बंद करा दिया। भूस्खलन के कारण हर की पैड़ी के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र पूरी तरह डेंजर जोन बन गया है। मंगलवार सुबह करीब 7 बजे पहाड़ से कई पत्थर नीचे गिरने लगे। तेजी से भूस्खलन की आशंका देखते हुए पुलिस ने पहाड़ी के नीचे की सुलभ शौचालय और आसपास की कई दुकानों को बंद करा दिया है। पुलिस कर्मियों ने सुबह जब दुकानें बंद करवाई तो क्षेत्र में खलबली मच गई। कांवड़ियों की भीड़ क्षेत्र में एकत्रित होने से पुलिस कर्मियों के लिए समस्या बढ़ गई। समझा बूझा कर कांवड़ियों को निकाला। दुकानों की ओर आवाजाही रोकने के लिए पुलिस ने सड़क पर अस्थायी डिवाइडर बना दिया है। इसके साथ ही PWD के इंजीनियरों ने पहाड़ की दरारों की तकनीकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जिलाधिकारी दीपक रावत ने बताया कि इस बारे में लगातार नजर रखी जा रही है। तकनीकी विशेषज्ञों को नजर रखने के साथ ही इस बारे में सुरक्षात्मक प्रभावी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। हिल बाईपास भी कई स्थानों पर दरका हर की पैड़ी के ऊपर तथा मनसा देवी मंदिर के नीचे बना हिल बाईपास भी कई स्थानों पर दरक रहा है। बाईपास बंद होने से कांवड़ मेला के अगले 2 दिन प्रशासन पर भारी पड़ने वाले हैं। रोड पर भूस्खलन होने से सिल्ट जमा हो गई है। भीमगोड़ा के ऊपर किलोमीटर 4 में पत्थर गिर रहे हैं। इससे हिल बाईपास को सुबह कुछ समय के लिए बंद किया। JCB से कुछ मलबा हटाने के बाद दोपहर को फिर से हल्के वाहनों के लिए उसको खोला गया। इसके नीचे रेलवे ट्रैक तथा टनल सुरंग है। हिल बाईपास की सिल्ट नीचे आकर उसको बंद न कर दे, इसलिए सिल्ट हटाने तथा कच्ची नाली सफाई कराई जा रही है। मनसा देवी मंदिर को जाने वाले मार्ग के गेट से पहले ही PWD की 30 मीटर की विंग वॉल में 5 से 6 मीटर तक कटाव हो रहा है, जिसको मिट्टी बैग लगाकर धंसने से रोका गया है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं पूर्व पार्षद लखनलाल चौहान ने बताया कि सिल्ट और पत्थरों को हटाया नहीं जा रहा है। कई स्थानों पर गड्ढे बन गए हैं। प्रशासन की अनदेखी से बिगड़ रही है स्थिति। प्रशासन की अनदेखी के कारण हर की पैड़ी से रेलवे के सुरंग तक पहाड़ की तरफ स्थिति बिगड़ती जा रही है। भूगर्भ विज्ञानियों तथा IIT के विशेषज्ञों की परीक्षण रिपोर्टें धूल फांक रही हैं, जिनमें इस पहाड़ी को बहुत ही कमजोर तथा रेतीला बताया गया था। पहाड़ के ट्रीटमेंट कराने की बातें बहुत हुई है, परंतु किया कुछ नहीं गया है। कपूरथला हाउस के सामने नगर निगम के शौचालयों, पानी के 4 स्टैंड पोस्टों को उखाड़कर पहाड़ खोदकर दुकानों का निर्माण होने दिया गया है। PWD निरीक्षण भवन को जाने वाली सीढ़ियों को दोनों तरफ अवैध रूप से कई बड़े व्यवसायिक तथा आवासीय निर्माण होने दिए गए हैं। सूखी नदी का पुल के फाउंडेशन के कटाव की रोकथाम कर दी गई है। पुल के गिरने का खतरा टल गया है और उसको टिकाऊ स्थिति में ला दिया गया है। हर की पैड़ी क्षेत्र में चट्टान में दरार दिखाई दे रही है। भूस्खलन की संभावना को ध्यान में रखकर पुलिस ने कुछ अस्थायी दुकानों को बंद करा दिया है। दरारों का अध्ययन कराए जाने के बाद मरम्मत कराने पर विचार किया जाएगा। हिल बाईपास में सिल्ट रोज आती रहती, जिसको साफ कराना पड़ता है। विंगवाल की भी मरम्मत कराई जा चुकी है।